एक समय की बात है, एक गांव में एक बंदर और एक मेंढक अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और घूमते रहते थे। एक दिन वे एक बड़े से आम के पेड़ के पास बैठे थे। बंदर ने कहा, मेरे दोस्त, ये आम बहुत ऊंचे हैं और हमें खाने में पहुंचने में मुश्किल हो सकती है। मेंढक ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। बंदर ने एक बड़ा सा तालाब देखा और बोला, हे मेंढक, तुम जाकर उस आम के पेड़ पर चढ़ जाओ, फिर मैं तुम्हें आमों को टूटने की जगह पर रखने के लिए तालाब की ओर धकेलूंगा। मेंढक ने सहमति दी और उसने आम के पेड़ की ओर बढ़ते हुए बंदर को बुलाया। बंदर ने मेंढक की बात सुनी और तबीयत से आमों को टूटते हुए चढ़ने लगा। मेंढक ने अच्छे से चढ़कर बंदर को आमों को टूटने की जगह पर रखने का संकेत दिया। बंदर ने धीरे से आमों को टूटने के बाद तालाब की ओर बढ़ते हुए आमों को समुद्र में डाल दिया। दोनों ने मिलकर समस्या का समाधान किया और आमों को बड़े आराम से खा लिया। वे दोनों हंसते हुए अपने दोस्ती को और बढ़ाते रहे और उनका साथी और सहयोग ने हमें यह सिखाया कि हमेशा एक दूसरे की मदद करके ही हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम अपनी मुश्किलें आसानी से पार कर सकते हैं। दोस्ती, साथी और सहयोग हमें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करते हैं।